हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं फिर से एक डिश लेके आई हूँ और ये खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी है। तो चलिए गाइस कैसे ये बनाया जाता है, वेजिटेबल बिरयानी देख लेते हैं। इसमें तेल डालेंगे हम, कुछ खड़े गरम मसाला है वो हम डाल देंगे, हो चुके हैं। इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने पानी लिया है और इसमें 2 चम्मच के आसपास नमक डाल देंगे और इसको बॉईल होने तक बॉईल कर लेंगे। देखिए चावल मैंने पहले से ही 2 घंटे तक मैंने सोख किया है और ये 2 किलो के आसपास चावल है और ये देखिए टूट जा रही है, 2 टुकड़ा हो जा रही है, मतलब ये चावल पूरी तरीके से बिक चुका है। चलिए इसको देखिए, पानी भी देखिए एकदम उबल रही है। अब इसमें हम संभालते हुए हम डाल देंगे। देखिए हमने डाल दिए हैं, अगर एक्स्ट्रा पानी है तो निकाल लूंगी मैं। देखिए मेरे पास आलू है और ये फ्लावर है, मैंने 1 किलो आसपास आलू लिया है और देखिए फ्लावर भी है। और पहले से ही इसको मिक्सअप करके रख देंगे ताकि ये नमक अंदर तक चले जाए। इसको हम रख देंगे साइड। देखिए ये होने आ गया है, ये देखिए ये आधा पक गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसको हम निकाल लेंगे। तेल मैंने पहले से ही गरम कर लिया था, मैंने तेल ज़्यादा ही लिया है क्योंकि मुझे बरिस्ता फ्राई करना है, इसीलिए। चुटकी भर मैं शक्कर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाला मैंने, थोड़ी सी डाला है और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये ब्राउन हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए जो हमने आलू जो मैंने लगाया था अभी वो भी फ्राई कर लिया। देखिए मैंने लहसुन लिया है, अदरक लिया है और 2 से 3 प्याज है ये, और गरम मसाला है, जीरा है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए अब हम पनीर डालेंगे, क्यूब में मैंने काट लिया है। मैंने लगभग 1/2 किलो के आसपास लिया है पनीर, अब नमक डाल देंगे।
ठीक है, इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए प्याज मैंने दो काटा है, वो भी हम डाल देंगे। प्याज लाल हो चुकी है, अब डालेंगे जो पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे। गैस को स्लो करेंगे और जो मैंने ना चाट टमाटर का प्यूरी बनाया है वो भी इसमें ही हम डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी है, धनिया पाउडर है 2 चम्मच के आसपास, मिर्ची पाउडर है और गरम मसाला है, ये सब इसमें हम डाल देंगे। मसाला को अच्छे से हम भून, दही है 1 कटोरी के आसपास वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने नमक नहीं डाला था, 1 चम्मच के आसपास मैं नमक डाल रही हूँ, मैं 1 से 1.5 चम्मच के आसपास, क्योंकि फ्राई करते समय भी मैंने नमक डाला हुआ है इस वजह से। देखिए मेरे पास थोड़ी सोयाबीन है वो भी हम डाल देंगे, क्योंकि मैंने इसको फ्राई नहीं किया था, इसको कच्चा ही डालूंगी मैं। और देखिए वेजिटेबल है पूरी जो फ्राई किया था, और ये देखिए शिमला मिर्च है और थोड़ा बीन्स है, वो मैं कच्चा ही डालूँ क्योंकि उसको कम प्रोसेस लगते हैं फ्राई होने के लिए। अब इसको हम धीमी आंच पे अच्छे से पका लेंगे ताकि ये बटाटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। इसमें मैं थोड़ी सी घी डालूँगी, जो हमने सब्जी बनाया था वो हम इसमें डालेंगे पहले। अब जो हमने चावल को ये किया था उसको हम फैला लेंगे। ये जो बरिस्ता बनाया था वो हम थोड़ी थोड़ी फैला लेंगे, और जो पनीर है पनीर भी साथ में ही हम डालेंगे, और इसके ऊपर हम सब्जी डाल देंगे। जैसे हम बिरयानी में प्रोसेस करते हैं, ये गरम मसाला है, बिरयानी मसाला बोलते हैं इसे, ये भी हम डालेंगे। इसके बाद चावल का परत फिर से हम डाल देंगे। इस तरीके से हमें देखिए अब इसमें वापस थोड़ी बरिस्ता डालेंगे। थोड़ी पनीर डालेंगे ऊपर से, और ये देखिए जाफरानी कलर है, आपके पास टूप है तो टूप डाल दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इसको हम स्टीम करने रख, थोड़ा पुदीना भी डालेंगे, पुदीने का पत्ते, देखिए इसे रख देंगे।
इसके ऊपर कोई हैवी चीज, जैसे कि मैं रख रही हूँ ठंडा, ऐसा हैवी चीज रख दूंगी मैं, ताकि ये अच्छे से, और पहले 10 से 15 मिनट इसको मैंने तेज आंच पे स्टीम करूंगी, उसके बाद धीमी आंच कर दूंगी। देखिए इसे निकालती हूँ, देखिए कितने अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम एक स्मोकी, देखिए गाइस कितना अच्छा खिला खिला बन गया है ये, देखिए एकदम चावल खिला खिला है। देखिए इसे मैं निकाल के प्लेटिंग करके दिखाती हूँ मैं। देखिए गाइस बनके ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आप रायते का साथ में खा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वेजिटेबल सारे हैं, अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो इस तरीके से भी आप खिला सकते हैं। देखिए तो मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।